इस्लामाबाद का ठंडा ठार मौसम है और ये मेरे पीछे खूबसूरत से ऑटम ट्रीज हैं। और ये देखें, ये मैंने कुछ तोड़े हैं, कुछ नीचे गिरे हुए हैं और ढेर सारे नीचे पत्ते गिरे हैं। ये वही मोहब्बतें मूवी वाला लीव है जो गाने से पहले उड़ता था। And this is my baby. सब दरख्तों की तो अपनी खूबसूरती है, लेकिन ये लाल सुनहरे और रंग बिरंगे जो दरख्त हैं, ये भी एक जादू सा जगा देते हैं आपके मूड पे भी और आपके दिन पर भी। तो इस वक्त हम इस हसीन सब्जाजार में मौजूद हैं और बहुत सारी फैमिलीज इस्लामाबाद की आई हुई हैं अपने बच्चों को गेम्स खिलाने, जॉगिंग पे, वर्जिशें करने। और यहाँ पे काफ़ी सारे झूले और स्लाइड्स भी हैं, तो वीकेंड बहुत बिजी गुजरता है इस पार्क में। तो हम लोग भी अपने बच्चों को लेकर आते हैं और बड़ा मज़ा आता है यहाँ पर। तो ये इस्लामाबाद की खुशकिस्मती है कि वहाँ पर इतना बड़ा पार्क मौजूद है। तो चलिए अब आगे हम चलते हैं अपनी फैमिली की तरफ, आपको मिलाते हैं। उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ अपना ड्रेस। बैकग्राउंड में सॉन्ग चल रहे हैं, वहाँ पे कोई सिंगर है जो कि लाइव सिंगिंग कर रहे हैं, तो हम भी मज़े ले रहे हैं। और बच्चों के लिए फ्रूट कट हो रहे हैं, यहाँ पर पार्क में आए हुए हैं। मिंसा वीडियो क्लिप बना रही है और साकिब और ईजान फुटबॉल खेल रहे हैं और मैं फ्रूट कट कर रही हूँ ताकि बच्चे खाएं और मैं भी खाऊं। मिंसा हैव सम। स्टे हेल्थी, फ्रूट खाएं, सेहत बनाएं। हमारी कुछ ज्यादा ही बन गई है। यार टिश्यू लाना भूल गए, बहुत कुछ भूल गए। हाँ, रैकेट ले आए और शटल नहीं लाए और सारी चीज भूल गए। क्या प्लास्टिक कप्स क्यों ले आए? हाँ, पानी ले आए और प्लास्टिक के कप्स भी नहीं लाए। मैंने अभी कितने लोग आए हुए ना यहाँ पे, कितनी सारी फैमिली। अभी ये मैं पीऊंगा कैसे? देखो जरा, भूल गए बगैर पी ले तुमने। टिक्के भी लग रही है, सीख भी लग रही है। हम ईजान को सीख में परोते हैं ना, बोटी तैयार है हमारी। आज तो मैंने बहुत, पापा ने इतनी ऊंची बॉल फेंकी फिर भी मैंने कैच कर ली। हाँ, कैच बहुत अच्छा करते हो आप। कोई और जोर से फेंकता ना तो जान भी उड़ के बॉल गई। ये फूलन देवी क्या कर रही है? हाइकिंग। इतनी सी पहाड़ी पे हाइकिंग। मिंसा की पहाड़ी देखें जिस पर मिंसा हाइकिंग कर रही है। स्माइल करें मुसा, प्लीज स्माइल करें। चले वो बॉल दिखाएं। बॉल, और ये क्या खेल रहे हैं मुसा? बैडमिंटन। चले खड़े हो खेले। ओ, बहुत अच्छा गोल किया। इधर यही है ना हमारे बॉल। चले खड़े हो,
अच्छा चलो खेले। वाह वेरी गुड, चलिए दोबारा खेले। वाओ लेकिन बॉल घूम गई। अच्छा ये मैं हूँ और मेरे पीछे इतना खूबसूरत फ्लावर्स का ट्री है, तो फूल देख के तो हमेशा मेरी तबीयत बाग बाग हो जाती है और मेरा दिल ही नहीं करता कि मैं फूलों के पास से हटूँ। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं कलर्स और फ्लावर्स। तो ये मैं अभी फूलों से लदे हुए दरख्त के नीचे खड़ी हूँ। देखिए कितने खूबसूरत पत्ते झड़े हुए हैं और कितने प्यारे लग रहे हैं, हर तरफ ही घास पे गिरे हुए लाल सुनहरे पत्ते। ये सूखे पत्तों की भी अपनी एक खूबसूरती होती है और इनको देख के किसी शायर का ख्याल याद आ जाता है। तो ये इस वक्त हम ऑटम ट्री के दरख्त के नीचे हैं। नीचे पत्ते देखे कितने रंग बिरंगे है ना, कितने प्यारे लग रहे हैं। ये देखे पर्पल पिंक ऑरेंज देखे रंग बिरंगा लीव है। हाँ माशाल्लाह हर तरह का कलर है, पर्पल ग्रीन ऑरेंज। यस एक और खूबसूरत सा फुशिया पिंक कलर का दरख्त है, इतने प्यारे फूल हैं इस पे, बहुत प्यारा लग रहा है। और ये फूल की पत्तियाँ नीचे भी गिरी हुई हैं। वाओ इस पे हॉट पिंक कलर के फूल लगे हुए हैं। और ये वाला आपको मैं दिखाती हूँ, तो बिल्कुल लाल दरख्त है। ये किसी दुल्हन का फोटोशूट हो रहा है। इस पार्क में बहुत ज़्यादा ब्राइडल शूट्स होते हैं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है ना, हर तरफ सब्जा ही सब्जा है। और ये गाड़ियाँ देखें रश का क्या आलम है, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ पार्क हुई हुई हैं, बहुत ज़्यादा फैमिलीज आई हुई हैं। ये इनका स्लाइडिंग एरिया है, यहाँ पे इनकी राइड्स वगैरह है, अंदर झूले हैं। टाइम ख़त्म हो गया, मगरिब हो रही है, तो वरना मैं आपको अंदर लेके जाती। टिकट का जो सेक्शन है बंद हो चुका है इनका, मगरिब तक बस ये खुला होता है। मेरी रोती भी नस्ल कैसी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं चटके जाऊं। वालेकुम हुई हुई। अच्छा उधर से आऊं, ठीक है मैं उधर से आती हूँ। वालेकुम सलाम, कौन सा फ्लेवर है। पिस्ता और स्ट्रॉबेरी, नहीं पिस्ता टूटी फ्रूटी और ब्लूबेरी। अच्छा तीन स्कूप वाली। हाँ तीन स्कूप वाली। मैंगो। ओ खुल गई हो। ये आइसक्रीम है मुसा। कैसी आइसक्रीम? आइसक्रीम अच्छी होती है, सेवर की आइसक्रीम बहुत अच्छी होती है। आपको तो वैसे ही सेवर पे जान कुर्बान है। है ना, शुरू से ही इन्होंने मुझे बताया था। जब डेली भी खा सकते हैं, ऑफिस है ना जाता था तो लंच यहीं से करते थे। हाँ मैं भी यही बताना चाह रहा हूँ, इन्होंने मुझे बताया था ये अपने बचपन में जब ऑफिस से वापस घर आते थे ये सब। बचपन में ऑफिस जाते थे पापा? बचपन में तो स्कूल जाता था मैं। बचपन में स्कूल से जब वापस आते थे घर तो वो यहाँ से सेवर फूड से नहीं बेटा, वो ऑफिस से खाना खाते थे। बचपन बीच में था ही नहीं कहीं पे भी। किसान के ज्यादातर काम बचपन में। बचपन अपने लिए भी जब भी बात करता कहते जब मैं जब बचपन था, जब मैं छोटा बच्चा था। पार्क के बाद हमने पिक किया सेवर फूड से इनका मजेदार पुलाव और साकिब का मोस्ट फेवरेट पुलाव। उनको जब भी घर का पुलाव खिलाओ तो उनको बिल्कुल मज़ा नहीं आता, उनको ज़्यादा मज़ा आता है सेवर का खाना खाने में। साथ ही देते हैं सैलेड, दही का रायता। अब मैं इसको खोलने लगी हूँ और फिर हम इसको गुड़प कर जाएंगे, यानी कि हम इसको खाएंगे। तो खोल के आपको दिखाती हूँ। तो जनाब ये हमारा मज़ेदार सा सेवर पुलाव, दो कबाब और दो बोटी
और ये रंगारंग सैलेड और रायता। इस खूबसूरत से चावलों की प्लेट के साथ अपनी होस्ट को दीजिए इजाजत। आज का व्लॉग हो गया है काफी लंबा, तो नए व्लॉग के साथ बहुत जल्द आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स।